जी जोहार, नमस्कार। मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के मोतीलदा। बताया जाता है मोतीलदा का या कोलासिंगा के समीप है ये स्थान का नाम चमरवा गढ़ा बोला जाता है। आप देख पा रहे हैं ये जो जंगल विभाग जो का पूरा जमीन है बताया जा रहा है, और इस जंगल विभाग के जमीन पर अवैध तरीका से लोग दिन ब दिन कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। वहीं कब्जा करने के प्रयास में एक दूसरे में बकझक हो गई है और यूं कहें कि जानलेवा हमला की संभावना बन गई है। ये जो लोग जो देख पा रहे हैं ये इसी गांव के हैं। ये लोग जब यहाँ पर जो जुताई जो देख पा रहे हैं, ये खेत की जो जुताई हुई है, इधर जो जुताई किया गया है, यह जमीन वन विभाग की है, लेकिन जब इसका विरोध इसके ही गांव वाले कुछ लोगों ने जब किया तो जान से मारने की धमकी दी गई है। क्या आखिर मामला है, क्या हकीकत है, इन्हीं लोगों से जानेंगे और बात करेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? राम राम प्रसाद दास। प्रसाद दास, क्या मामला है राम प्रसाद जी? मामला यही है, ये सब जो जमीन है सब तो जोत कोड़ रहा है सब, वही हेमलाल दास और उसका बेटी है पुष्पा देवी, फॉरेस्ट में काम करता है। तो इसी के तागत से सब हम लोग को धमकी दे रहा है कि जोन रोकने यहाँ आएगा उसको मारेंगे। और हम लोग का वो बोला कि हमारा पेपर है यहाँ, कोई नहीं चढ़ना, नहीं जो चढ़ेगा काट देंगे। और वो एक रेंजर है एसके रविदास, उसका भी साथ दे रहा है, वो उसी के बल धमकी से सब 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 जोत रहा है। और हम लोग रोकने आए तो हम लोग को धमकी दिया, मार के फेंक देंगे। आप लोग भी जोत रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग नहीं। हाँ वही सब जोत रहा है। तो वही सब जब विरोध करने आए बोले मत जोतिए तो क्या कहता है? मारेंगे, जिंदा गढ़ देंगे यहीं पर जो रोकने आएगा। सो बोल रहा है और जबरदस्ती जोत बात कर हाँ, रहा है। जबरदस्ती तो जो वन रहा, विभाग को सूचना आप लोग नहीं किए? सूचना करेंगे कि ये है सूचना। सूचना किए हैं ना, लेकिन हाँ, सब मिला हुआ है क्या? नहीं, मिला नहीं है, सब सब हो आएगा। आएगा ना। अच्छा, हाँ, आपको कुछ कहना है भैया? थोड़ा चाची कुछ कहे होगी, कुछ बोले थे कि बोल ठीक है यहाँ रोक लिया भैया, तो आपकी हम मार के गाड़ दबो। है। तो हाँ, तो रोकल कैसे वन विभाग के? तो वन विभाग उन्हें रोकते हैं तो नहीं कहे रोके, चर्बे रोकबे नहीं कि गाय पोस नहीं आना ही। हाँ, खतर ना। यहाँ खातिर के मार के गड़िए दबो। अच्छा, ये जमीन उन हाँ गाय पोस हाँ चलावे बोल, ना। हमने वहां लोग सोचे जत बे तोरा की कहना हो। बोल हमर डीसी, बोल हमर डीसी सा कागज बनल है दिया फूस। हाँ, से बोले हो के जोते करे यार? हेमलाल दास, पुष्पा देवी और जगेश्वर दास। हेमलाल दास ने। अच्छा अच्छा क्या जी, उसका आप लोग बताइएगा। उसका बेटी है पुष्पा देवी, उसका बेटा है जगेश्वर दास, पिता हेमलाल दास। जब यहाँ रोकने आते हैं वही धमकी बार बार देता है कि जो रोकने आएगा सीधे काट के गड़ देंगे। धमकी उधर देता भी है। चारों तरफ दाव रखता है कि मेरा इधर सा चारों तरफ पट्टा है। तो उसको जब दिया जमीन तो हम लोग को भी देना चाहिए, गरीब आदमी को। नहीं देगा और कार्रवाई नहीं हुआ तो हम लोग भी जोतेंगे। तो आप लोग मतलब इसके नए कहे आप लोग भी जोतिएगा, कार्रवाई नहीं होगा तो वन विभाग वाला जोतेंगे, किसी जोतिएगा? नहीं तो कार्रवाई नहीं करेगा तो नहीं जोतेंगे। नहीं कार्रवाई करेगा तब क्या कहना था भैया आपका? हम लोग से ज्यादा जानकारी इन्हीं लोग को मिला, लेकिन हम लोग को बोल के सुनाया। जैसे हम लोग को बोल के सुनाने के बाद में यही पता चला कि जैसे बोल रहा है कि फॉरेस्ट में पुष्पा देवी है, वो जैसे सिपाही है, और उसका बेटा प्रेमचंद दास, दोनों मिल के, दोनों जैसे भाई बहन मिल के पावर दे रहा है बाप को। तो इन्हीं लोग को बोलता है कि हम सारा जोतेंगे, किसी को हिम्मत नहीं है कि रोक दे। धमकी दिया जा रहा है अब क्या? धमकी दिया होगा इन्हीं लोगों को, लेकिन हमको आपको जैसे, भी धमकी दिया? हमको नहीं दिया, हम यहाँ पर नहीं थे। हम लोग जब इधर आए थे राम तो ये प्रसाद लोग, को धमकी दिया हाँ क्या? ये लोग को दिया है। तो भैया नहीं, हमको कोई धमकी वो नहीं दिया है, कुछ नहीं बोल रहा। तो फिलहाल यूं कहें कि वन विभाग की जमीन को अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है और ये लोग आपस में ही उलझ गए हैं और विरोध कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से धमकी भी दी जा रही है। जरूरत है वन विभाग को अलर्ट होने की, और अगर वन विभाग की जमीन अगर है तो उस पर अवैध कब्जा कर रहा है तो कहीं से भी उचित नहीं है, उस पर कार्रवाई की जरूरत है, रोकने की जरूरत है, प्रतिबंध लगाने की जरूरत है, ताकि वन विभाग की संपदा बची रहे। और आप बने रहे बीएनबी के साथ जी, और और देखते रहे कब कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत में जयते, ये तो वंदे मातरम। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मोतीलदा में जबरन वन विभाग की जमीन जोतने का आरोप हेमलाल दास पर लगाया गया था। हम लोग हेमलाल दास की आवाज पर ही और हेमलाल दास से ही बात करेंगे कि बाजबरन जमीन अवैध तरीके से क्यों जोत आबाद किया जा रहा है, और कोई मना करता है तो जान से मारने की धमकी क्यों दी जा रही है। आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि आप बाजबरन वन विभाग का जमीन जोत आबाद कर रहे हैं, जब रोकने के लिए आता है तो आप जान से मारने की धमकी देते हैं, ऐसा आरोप है, क्या कहना है आपका? ये सर,
उल्टा उन लोग का बोलने का है। अच्छा, ये वो लोग कोड़ के जेसीबी से कोड़ के और खेत बनाया है, अभी भी फसल उन लोग लगाया है। हमने अपना सेंटर में हमारा तरफ वो लोग जोत रहा था, हमने वो लोग का रोका कि देखिए हम सरकारी, मेरे बेटी भी सरकारी में जॉब करती है फॉरेस्ट में, हम फॉरेस्ट में गलती काहे करेंगे जानबूझ के। देखिए गाछ लगाने से सब अच्छा ही होता है, जीवित रहता है सब, गाछ ही लेके आदमी जिंदा रहता है। पेड़ पौधा लगा रहे, पेड़ पौधा, तो हमने सोचा कि हम फीट मार के उसमें गाछ लगाएंगे, तो फिर उन्होंने जबरदस्ती इधर जोत रहा है हमारे सेंटर में, तो हमने रोका तो उन लोग उल्टा हमको फंसाया गया है। तो क्या वन वन विभाग का जमीन है कि नहीं है? हाँ, वन विभाग का जमीन है। वन विभाग का जमीन वो जोते आप जोते, गलत तो है? हाँ, गलत तो है। फिर क्यों जोता जा रहा है? वो लोग कोड़ खंड के फसल अभी लगा रहा है, उगा रहा है करीब 10 एकड़। राजू दास जो बयान दिए है, राजू दास, हाँ परमेश्वर दास, परमेश्वर दास का बेटा राजू दास है जो बयान दिया है, हम पर आरोप लगाए। हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आके खुद छानबीन करे कि कौन गलती किया है। हम जोते हैं और वो लोग जोते हैं। तो आपका क्या कहना है कि आप जोते हैं कि नहीं जोते पर विभाग का जमीन? हम जोते हैं लेकिन कुछ लगाते नहीं है, इसलिए हम जोत के रख दिए कि फसल, जैसे नीचे में फसल लगाते हैं तो वहाँ घास नहीं रहेगा तो मौसी आएगा नहीं, तो इसलिए हम जोत के छोड़ दिया। और उसमें गाछ भी है छोटा छोटा, तो गाछ छोड़ के हम किनारे किनारे जोत दिए हैं ताकि गाछ का भी बढ़ेगा, जैसे कोड़ाई होता है गाछ का, तो उस हिसाब से हम जोत कर छोड़ दिए हैं, सब गाछ उगल है बढ़िया से। कुल मिलाकर के वन विभाग का जमीन आप भी जोत रहे हैं, वो भी जोत रहे हैं क्या? हम तो थोड़ा सा जोते हैं, थोड़ा सा जोते, थोड़ा सा, तो चूंकि घास नहीं हो और हमारे खेत में नहीं जाल माल अबरे, इसलिए तो देख लोग तो बहुत सारा जोता है, अपने देखने का चीज है। वो भी खूब जोता है, बहुत जोता है वन विभाग का ही जमीन? हाँ, कम से कम परमेश्वर दास 10 एकड़ जोत के रखा है। वन विभाग का? वन विभाग का 10 एकड़ जोत के रखा, जोत के रखा है, लगाता है वो लोग फसल। और जो ये दिया है, क्या नाम है, प्रसाद दास दिया है, मणिदास रुक्मणी देवी, ये तो करीब 5 एकड़ से ज्यादा जोत के फसल लगा रहा है अभी, जिसे फिर से कोड़ के सब लगाया है पूरा, और हरा हरा गाछ काट के और कोड़ा है, तो देखने की चीज है। तो कुल मिलाकर हेमलाल दास का कहना है कि हम थोड़ा सा जमीन जोत रहे हैं लेकिन जो आरोप हम पर लगा रहा है वो 10-10 एकड़, 5-5 एकड़ जमीन को कब्जा कर लिया है, वन विभाग को जोत, वन विभाग का जमीन जोता बात कर रहा है। जरूरत है ऐसे में वन विभाग को निष्पक्ष जांच करने की, और अगर वन विभाग का जमीन अगर कब्जा कर रहा है तो कहीं से भी उचित नहीं है। फिलहाल यह जांच का विषय है, वन विभाग को जरूरत है जांच करे और जांच करके निष्पक्षता सामने लाए। बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य जयते, वंदे मातरम, थैंक यू। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या कब कहां कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।